आईपीएल मैच फिक्सिंग के आरोप में बीसीसीआई द्वारा प्रतिबंधित क्रिकेटर एस श्रीसंत ने बोर्ड के आदेशों को अनसुना करते हुए इस महीने के आखिरी से फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट में खेलने का फैसला किया है। गौरतलब है कि पिछले महीने श्रीसंत ने स्कॉटलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई को एनओसी देने के लिए पत्र लिखा था, जिसके जवाब में बोर्ड ने उन्हें एनओसी देने से इनकार करते हुए देश के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के क्रिकेटिंग एक्टिविटी में भाग लेने से साफ मना कर दिया था। अब श्रीसंत बीसीसीआई के निर्देशों को धता बताते हुए 19 फरवरी से शुरू हो रहे दो दिवसीय फर्स्ट डिवीजन मैच में एर्नाकुलम क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में एस श्रीसंत ने कहा, जब बीसीसीआई की ओर से मेरे ऊपर क्रिकेट खेलने से आजीवन प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है तो फिर अंपायर क्यों मना कर रहे हैं। मैं जब तिहाड़ जेल में बंद था तो बीसीसीआई की तरफ से सिर्फ सस्पेंशन लेटर मुझे मिला था और उसकी वैधता मात्र 90 दिनों की होती है। बीसीसीआई ने मेरे ऊपर आजीवन प्रतिबंध के बारे में सिर्फ मीडिया से बातचीत की है, कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया है। मैं खुद मूर्ख हूँ जो इतने दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मेरे साथ जैसा व्यवहार किया गया वैसा व्यवहार किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं किया जाता। गौरतलब है कि एस श्रीसंत के करियर में उस वक्त भूचाल आ गया था जब उनके ऊपर 2013 में आईपीएल के 6वें संस्करण में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था। हालांकि सितंबर 2015 में दिल्ली के एक कोर्ट ने श्रीसंत को इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन बीसीसीआई ने श्रीसंत को कोई राहत न देते हुए उनकी क्रिकेटिंग एक्टिविटी पर प्रतिबंध कायम रखा है। एस श्रीसंत ने बीसीसीआई के इस रुख की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी करार नहीं दिए जाने के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उनके साथ खराब व्यवहार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि श्रीसंत के इस आरोप के बाद बीसीसीआई उनके लाइफ बैन पर कोई आधिकारिक पत्र जारी करता है या नहीं।